अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड किचन 92। मैं हूँ मैं रुकैया और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब सी चीज़ चिकन पोटली। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा है। इस रमज़ान आप इफ्तार में इसे ज़रूर बनाइए और अपने दोस्तों के साथ रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ज़्यादा देर ना करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 200 ग्राम चिकन का कीमा और 150 ग्राम हमने मैदे को गूंद लिया है। इसमें 1/2 टीस्पून से भी कम नमक डाला है और 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के गूंद लिया है नॉर्मल सा डो। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके मैश कर लिया, 1 कटोरी हरा धनिया, 1 इंच अदरक के टुकड़ों को बारीक काट लिया है, 1 टेबलस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, 5 हरी मिर्च को बारीक काट लिया और 4 लहसुन की कलियों को बारीक काट लिया है हमने। और ये डाइस चीज़ ली है हमने, मोज़रेला और चेडर चीज़ का मिक्स। हमने 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल के ऑयल को गरम कर लिया है और उसमें अदरक डाल दी है। ये देखिए, अदरक डालने के बाद हम इसमें लहसुन भी डाल देंगे कटा हुआ। इसे डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस एक बार चलाने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत थोड़ा सा डालना है क्योंकि हमने कटा हुआ अदरक और लहसुन भी डाला है। ये डालने के बाद हम इसमें चिकन का कीमा डाल देंगे। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मिक्स करने के बाद हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, हल्का सा मिक्स कर लेंगे। चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे, गरम मसाला डाल दिया है, काली मिर्च डाल दी, नमक, नमक टेस्ट के हिसाब से आप लोगों को डालना है। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। एक कटोरी जितना पानी डाल के इसको ढक के हम पका लेंगे 5 मिनट के लिए और धीमी आंच पे। जब तक हम डो को अच्छी तरह से इसके छोटे छोटे से लोइयां बना लेते हैं। ये देखिए, पहले मैंने सारा आटा ले लिया है, उसको इस तरह से मैं पिज़्ज़ा कटर से काट लूँगी बराबर साइज में। इससे बिल्कुल सेम लोई बनेगी। आप छुरी की मदद से भी काट सकते हैं, इसको अलग अलग पार्ट कर सकते हैं। और अभी ये बहुत साइज़ में बड़ा है तो इसलिए बीच में से मैं भी इसे काट लूँगी और सारा इसी तरह से कर लूँगी। ये देखिए, कीमा का पानी बिल्कुल खुशक हो चुका है, अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कीमा बनके रेडी है, अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने छोटे छोटे पार्ट किए थे लोई के, उसको अब हम बेल लेंगे। बिल्कुल छोटी सी रोटी बना लेनी है, हल्का हल्का मैदा डाल डाल के इसको अच्छी तरह से बेल लेना है। ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, अच्छा पतला सा बेलना है। ये देखिए, इसी तरह से हम सारी रोटियां बेल लेंगे छोटे छोटे साइज़ में, क्योंकि छोटी छोटी सी लोई है, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आएगा इससे पोटली का। जो हमने कीमा बनाया था चिकन कीमा, उसको हमने बिल्कुल ठंडा कर लिया। अब हम इसमें मैश आलू को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून मैदा लेके उसको थोड़ा सा पानी डाल के घोल बना लिया है और ये वही घोल जो मैदे का हमने बनाया है पानी डाल के हम इसके कॉर्नर पे लगा लेंगे।
ये देखिए सारी तरफ लगा लिया है, और अब हम इसमें मिक्स रख लेंगे ये चिकन और आलू का। बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, मुंह में बिल्कुल धमाका होता है मसालों का। और हमने इसमें चीज़ डाल दी, जो मोज़रेला और चेडर चीज़ का मिक्स है वो हमने इसमें डाल दिया है। और अब इस तरह से हम इसकी पोटली बना लेंगे। देखिए बिल्कुल डायरेक्ट हमें इसे बन नहीं करना है, पोटली की शेप देनी है। ये देखिए बन गई है हमारी ये पोटली। इसी तरह से हम सारी पोटली बना लेंगे। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी दिख रही है पोटली। और अब हम इसे डीप फ्राई कर रहे हैं, ऑयल हमने गरम कर लिया था और अब हम इसमें पोटली को डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, और इसका टेस्ट बहुत लाजवाब है। आप इफ्तार में इसे ज़रूर बनाइए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही लाजवाब सा आता है। मैंने इसमें चेडर और मोज़रेला का मिक्स इसलिए डाला है क्योंकि चेडर जो है वो खिंचती है जो वो चीज़ होती है, और मोज़रेला जो होती है वो मेल्ट होती है, तो दोनों ही लुक आएगा इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा। पहले मैंने इसे 2 मिनट के लिए धीमी आँच पर पका लिया था कि अंदर तक ये पक जाए, और उसके बाद 2 मिनट के लिए हम फुल फ्लेम पे पका लेंगे। 5 मिनट तक में पूरा रेडी हो जाएगा। 2-2.5 मिनट ऐसे करके आप आधा मिनट धीमी आंच पे और आधा मिनट फुल फ्लेम पे। ये देखिए बनके ज़बरदस्त सी पोटली रेडी है। आप भी इसे ज़रूर बनाइए। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी चिकन चीज़ पोटली बनके रेडी है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, इसे इफ्तार में ज़रूर बनाइए। बहुत ही आसान रेसिपी है और मज़ा आ जाएगा आपको खा के। बहुत ही अच्छा फ्लेवर का धमाका होता है। अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगली रेसिपी मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरी प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए रमज़ान मुबारक की, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। और मैं इसे कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से इसका लुक कैसे आता है। छुरी से मैं काट रही हूँ। ये देखिए बहुत आसान से कट गया, बिल्कुल खस्ता ऊपर से बना है और अंदर से ये देखिए चीज़ मेल्ट होने के साथ इसे खींचेगी भी। और आप इसे ज़रूर बनाइए, बहुत ही लाजवाब सा टेस्ट है और आई एम लविंग इट। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिए।